जैसा कि एक रागड़ी कहने का मौका मुझे दिया गया, रागड़ी होगी आप सभी श्रोताओं के सामने भक्त गोपीचंद के किस्से की। और मौका उस वक्त का होगा कि जिस वक्त उस गोपीचंद को गुरु गोरखनाथ ने आदेश दे दिया कि जब ये भगवा धारण कर लिया है तो सबसे पहले अपनी बहन उस चंद्रावल के दरवाजे पर जाना है, उस भीखम बंगाले से भीख मांग करके लानी है। प्रेमी श्रोताओं, अपनी बहन चंद्रावल के दरवाजे पर भीखम बंगाले में पहुंच जाते हैं वो गोपीचंद, और जाकर बहन के दरवाजे पर अलख जगा दी कि अगर इन महलों में कोई मेरी आवाज को सुनता हो तो मुझे थोड़ी भिक्षा ला करके दे। जब चंद्रावल के कानों में ये आवाज पहुंची तो अपनी दासी को भिक्षा लेकर के भेजती है, लेकिन दासी उल्टे पैरों लौट करके जाती है और किस तरह से चंद्रावल को एक मात के माध्यम से समझाने लग जाती है कि दरवाजे पर कैसा भिखारी आया हुआ है। सुनिएगा जरा क्या बताया वाला। के माथे पे चंदन चढ़ा हुआ और ड्योढ़ी पे साधु खड़ा हुआ, और वो था कौन हो मुझे गोपी चंद नजर आए, मैं क्या करूं, मैं क्या क्या करूं, मैं क्या। माथे पे चंदन चढ़ा हुआ, ड्योढ़ी पे साधु खड़ा हुआ, माथे पे चंदन चढ़ा हुआ, ड्योढ़ी पे साधु चढ़ा हुआ, मुझे गोपी चंद नजर आए, मैं क्या करूं, मैं क्या क्या करूं, मैं क्या क्या बात है। सम्मान किया, आप सभी का बार बार धन्यवाद। आइएगा पहली कली के माध्यम से वो बांदी रानी चंद्रावल को किस तरह से उस महात्मा के बारे में बताती है और क्या बताया ना। और के चुमटा टेक दिया मैं
सब ते साधु देख लिया जोड़ी पहुँच मिटा देख दिया मन रब ते साधु देख लिया घर पे थाने नजर आए क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या क्या करूँ साधा क्या बात है भाटी साहब की सूरत को देखा है उसकी सूरत को देखने के बाद ना तो मुझे संसार में कोई ऐसा सुख है जो मैंने ना जिया हो और ना ऐसा लगता है कि मैं कभी भी किसी के साथ रही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भगवान भजन में लीन हूं और उस साधु की सूरत देखने के बाद मुझे कैसा महसूस हुआ क्या कहने लग जाती है तीसरी कहने वाला बात बता रहा बहुत पुरानी धारा नगर की कह रहा कहानी बात बता रहा बहुत पुरानी अरे बात बता रहा बहुत पुरानी महारानी संत की सूरत में सूरत की उस मूरत में महारानी संत की सूरत में सूरत की उस मूरत रानी चंद्रावल को बताने लग जाती है कि रानी आज जो साधु हमारे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया है उसे तो खूब अच्छी तरह से जानती है और आज उस साधु ने ये कह दिया है कि मैं बांदियों के हाथ से भिक्षा नहीं लेता अगर मुझे भिक्षा देना चाहती है तो स्वयं इस महल की रानी मुझे भिक्षा देने के लिए आए चौथी कली के माध्यम से नाम बताती है और क्या बता दिया भला जा भीख वही मंगवाई महारानी तेरा भाई कहाई ले जा भीख वही मंगवाई तू ले जा भीख वही मंगवाई खाने मिठाई मेवा से गौरी शंकर की सेवा से इस खान मिठाई मेवा से गौरी शंकर की सेवा से क्या करूं मैं क्या चंदन चढ़ा हुआ थोड़ी पैसा दू कटा हुआ माथे पे चंदन चढ़ा हुआ थोड़ी पैसा दू कटा हुआ जोरदार ताली होनी चाहिए भाई जी।